अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ खूबसूरत ड्रेस डिजाइनिंग। सबसे पहले जो ड्रेस है मेरे पास, ये बारीजे का ड्रेस है और ये बारीजा नेट पर बना हुआ है और ऑर्गेन्जा नहीं है, नेट है। इसकी नेकलाइन बॉर्डनेक बनी हुई है, सेंटर में इसमें वीजन है और इसकी साइड में जो है वो स्ट्रैप्स लगाए हुए हैं। ये देखें कि इस तरह से बिल्कुल शोल्डर के साथ उन स्ट्रैप्स को अटैच किया है ताकि नेक की वीजन भी रहे और नेकलाइन अच्छा भी लगे पहना हुआ। स्लीव्स में जो है वो हाफ इनर है, देन उसके बाद आगे जो है उसमें लटकन वाली लेस है, वो आपको मैं एंड में दिखाऊंगी जब स्लीव्स दिखाऊंगी, ठीक है। ये नेकलाइन देख लें एक बार दोबारा। फ्रंट बैक दामन इसका किस तरह से बना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसका फ्रंट दामन है। फ्रंट दामन में क्रिस्टल्स वाली लेस अटैच की है, ये देखें कुछ इस तरह से पिंटेक्स एड किए हुए हैं ऑर्गेन्जा पे, देन उसके बाद सेंटर में क्रिस्टल वाली लेस अटैच की हुई है, ये देखें। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लुक आ रही है, ये देखें ऐसे। फ्रंट बैक दामन पे इसमें कोरियन लेस अटैच की है सितारे वाली, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ्रंट दामन पर लेस लगी हुई है। कोरियन लेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ये जो सीक्वेंस के साथ आती है ये बहुत नीट लुक में होती है और ये अटकती नहीं है फैब्रिक में। मोस्टली जो सीक्वेंस वाली लेसेज होती हैं वो अटक के ख़राब कर देती हैं, ये ख़राब नहीं करती हैं। साइड स्लिट्स आगे इसके साइड स्लिट्स में भी कोरियन लेस अटैच की हुई है सीक्वेंस के साथ, ये देखें जी कुछ इस तरह से लेस है। ड्रेस की जो फैशन पट्टी हमने रखी है वो हमने ब्लैक ही रखी है क्योंकि इसके जो पिंक फ्लावर्स हैं लाइट डार्क पिंक में हैं, ड्रेस को एक बहुत नीट सी लुक दे रहे हैं। अगर हम इसमें पाइपिंग जामावार की या पिंक कलर में कर देते ना तो इसकी लुक जो है वो उतनी नीट और डिसेंट नहीं लगती। ये इसकी बैक साइड आ गई, बैक साइड में भी इसी तरह से हमने लेस अटैच की है सीक्वेंस वाली, कुछ यूं इसकी लुक है। बाकी ऑल ओवर में दिखाऊंगी ना, वहाँ सारी लेसेज आपको क्लियर नजर आएंगी, ठीक है। और जो फैशन पट्टी हमने इसमें यूज़ की है वो यूज़ की है शमोज सिल्क की, ब्लैक कलर में ही फैशन पट्टी को रखा है। लाइट पीच भी रखा जा सकता था लेकिन उससे ड्रेस की जो लुक है वो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी के ब्लैक के साथ आ रही है। अब बारी है जी स्लीव्स की, ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी इसके नेट के हैं। ऊपर शोल्डर में जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा सा इनर रखा है, देन उसके बाद ये देखें जब आपने बाजू पहने हुए होंगे तो ये लुक आएगी स्लीव्स की, ये देखें। अब बारी है जी इसके ट्राउजर की, ट्राउजर इसका जो है वो रॉ सिल्क फैब्रिक में है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रेट ट्राउजर है इसका, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह वाला ट्राउजर इसके साथ इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि लॉन्ग शर्ट है थोड़ी सी, तो सिंपल स्ट्रेट ट्राउजर जो है वो ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लगता है, ठीक हो गया। अब बारी है जी दुपट्टे की, दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत है। दुपट्टे में गोटे के जो फूल है ना वो अटैच किए हुए हैं, कुछ इस तरह से इक्वल डिफरेंस के ऊपर गोटे के फूल को फैशन पट्टी के साथ रख के दुपट्टे में अटैच किया है। ये देखिए फैशन पट्टी हमने ब्लैक रखी है, जो हमने गोटे का फ्लावर यूज़ किया है वो यूज़ किया है जी पिंक कलर में। ऑल राउंड सेम इक्वल फासले के साथ जो है वो दुपट्टे में गोटे के फ्लावर्स अटैच किए हैं, ये देखिए, जिससे दुपट्टा डिफरेंट भी हो गया है और ब्यूटीफुल भी लग रहा है। ये देखिए इस तरह से इसमें जो है वो गोटे के सारे फ्लावर्स जो है उनको ऐड किया है। अब आपको दिखाऊंगी ड्रेस की ऑल ओवर लुक, के ड्रेस ऑल ओवर लुक में दिखने में कैसा है। ये जी इसकी नेकलाइन है, ये इसके खूबसूरत स्लीव्स हैं और उनकी लेस है। तो आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा, ये जी इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर ये देखें ऐसे गोटे के फ्लावर्स हैं और ये देखें ऐसे फैशन पट्टी के साथ जो है ना गोटा अटैच किया हुआ है। ये ट्राउजर है और ये जी इसका खूबसूरत दामन है, ये देखें पिंटेक्स है और गेंजा पे नीचे उसमें कोरियन लेस है। ये जो मैं लेसेस आपको कह रही थी ना, ये देखें ऊपर पल्सर लेस अटैच की हुई है और ये नीचे कोरियन लेस अटैच की हुई है, ये देखें। और ये इसमें हमने जो है वो फैशन पट्टी अटैच की है ब्लैक। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है यह जी मैरून कलर में, राउंड नेक है, स्लिट है इसकी और साथ में इसकी जो ये देखें लेसेस आ रही हैं ग्रीन और गोल्डन, ये सब लेसेस ड्रेस के साथ आई थी। और जो इसका पैनल है, पैनल में गोटे वाली लेस अटैच की हुई है, यही लेस ड्रेस में ऑलराउंड अटैच की हुई ताकि ड्रेस थोड़ा खूबसूरत भी लगे और थोड़ा फॉर्मल भी टच आ जाए इसको। शिफॉन का ड्रेस है, ऑर्गेन्जा नहीं है ये, इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा है लेकिन ड्रेस इसका शिफॉन में है। फ्रंट बैक दामन पे भी इसी तरह से बॉर्डर्स अटैच हैं जैसे इसके जो है वो नेकलाइन पे, ये सारे बॉर्डर सेपरेट हैं और ये सारे ड्रेस के साथ ही आए थे सेपरेट सेपरेट करके, इनको हमने इसी तरह से साथ में जो है वो फिक्स कर दिया है। ये इसके साइड स्लिट्स हैं, साइड स्लिट्स में इसके जो है वो गोटी वाली लेस आ रही है, ये देखिए जी ऐसे। फ्रंट बैक दामन में भी लेस आ रही है, स्लिट्स में भी आ रही है और इसके स्लीव्स पर भी आ रही है। बैक साइड दिखा रही हूँ, फ्रंट जो है इसका पैनल में है लेकिन जो बैक साइड है वो पैनल में नहीं है, वो प्लेन है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा सीक्वेंस वर्क है, साथ में धागे की कढ़ाई है, ये सारा ये देखिए ये सारी बूटी बनी हुई है, इसमें सीक्वेंस वर्क है इसमें थोड़ा थोड़ा सा। और इसी तरह जो इसके बॉर्डर्स हैं उनमें भी सीक्वेंस वर्क है सारा। ये देखें ये बैक दामन आ गया, जैसे इसका फ्रंट दामन एडजस्ट किया सेम उसी तरह से बॉर्डर्स अटैच करके इसका बैक दामन एडजस्ट किया हुआ है।
इसकी जो मॉडल पिक थी उसमें ये ड्रेस दो तरह से स्टिच हुआ हुआ था, एक इसमें मैक्सी स्टिच हुई हुई थी और एक जो है वो ये इस तरह से इसमें कुर्ता स्टिच हुआ हुआ था। इसके स्लीव्स आ गए, स्लीव्स पे भी सामने गोटी लेस लगा दी है ताकि ड्रेस थोड़ा सा एम्बेलिश हो जाए। अब आपको दिखा रही हूँ इसका ट्राउजर। ट्राउजर इसका बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट है, कुछ इस तरह से, ये देखें सिंपल ट्राउजर है क्योंकि शर्ट की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग है तो साथ में सिंपल ट्राउजर अच्छा लगता है। बाकी ट्राउजर की जो बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है। अब आपको दिखाऊंगी इसका दुपट्टा। इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा में है, दुपट्टे का जो है एम्ब्रॉयडरी वो बहुत नाइस बनी हुई है। लंबाइयों में दो कलर के बॉर्डर्स अटैच किए हुए हैं, इसी तरह जो इसके पल्लू हैं उनमें जो ब्राइट ग्रीन कलर उन्होंने ऐड किया ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें इस तरफ भी दो बॉर्डर हैं, सामने छोटा बॉर्डर है, पीछे साइड पे जो है रस्ट कलर का थोड़ा चौड़ा बॉर्डर है। ये देखें ये दुपट्टे की असल ब्यूटी है जो इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है, ये वाला कलर। ये देखें ग्रीन कलर का बॉर्डर है, उसको दुपट्टे में एडजस्ट किया है। देन उसके बाद एक छोटा बॉर्डर जो बाहर आउटलाइन में आ रहा है ना वही बॉर्डर इसके जो है वो पल्लुओं में अटैच किया हुआ है। साथ में फैशन पट्टी यूज़ की हुई है मैरून कलर की, ये देखें। ठीक है जी, इस तरह से ये देखें ये दुपट्टे की फाइनल लुक है। अब आपको दिखा रही हूँ ड्रेस की ऑल ओवर लुक। ये जी इसका राउंड नेक स्लट है इसकी, इसके स्लीव्स हैं, ये देखें जी कितने ब्यूटीफुल स्लीव्स हैं इसके। और ये इसका जो है वो दुपट्टा है, दुपट्टे का वर्क बहुत नाइस है, ये देखें। अब आपको दिखा रही हूँ शर्ट का दामन। ये शर्ट का दामन है और फिनिशिंग के लिए जो हमने गोटा लेस यूज़ किया है ना, ये देखें ये फॉर्मल ड्रेसेस पे जब हम इसको यूज़ करते हैं ना बहुत अच्छी लगती है और बहुत नाइस लगती है। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है ये है जी मैक्सी। मैक्सी है ब्लैक कलर में, ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। इसका जो है वो बॉर्डनेक गला है, ये इसकी यॉक पे जो है एक लेस लगी हुई है, ड्रेस के साथ आई थी। फ्रॉक की कलियां बनाई हुई हैं, कुछ इस तरह से इसकी कलियां हैं। अच्छा, ये जो फ्रॉक्स होते हैं ना ये स्मार्ट फिटेड फ्रॉक्स होते हैं, इनमें नीचे जो है वो फ्रिल लगी हुई होती है। ये देखें ये स्मार्ट फिटेड फ्रॉक है और इसके नीचे ये देखें आप, यहाँ पर इसमें जो है वो फ्रिल लगी हुई है, ऑर्गेन्जा की फ्रिल है और उसको पीको करवाया हुआ है। ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ये जो पीको होती है ना ये तार वाली पीको होती है, उसको ऑर्गेन्जा के साथ जब करवाते हैं तो फिर इस तरह इसकी जो है वो शेप क्रिएट हो जाती है। ये देखें अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी बैक साइड। ये देखें ये इसकी फ्रंट यॉक आ रही है, स्मार्ट सी लुक आ रही है इसकी। अब बैक साइड दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड पे कलियाँ इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी लेकिन बैक साइड पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। ये इसकी बैक नेक है, यहाँ बंचेस बने हुए हैं और ये देखें बैक यॉक आ गई इसकी। और ये देखें ये बैक साइड की कलियाँ और ये बैक साइड से फ्रिल की फॉल है। ऑल ओवर लुक में दिखाऊंगी ना तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा कि कैसे इसमें जो है वो फॉल आ रही है। स्लीव्स इसके जो है वो स्मार्ट फिटेड स्ट्रेट स्लीव्स हैं, स्टिच बटन वाले नहीं हैं, कुछ इस तरह से स्मार्ट स्लीव्स हैं। सामने इसके एम्ब्रॉयडरी वाली जो है वो बने हुए हैं, इसके ऊपर बेले बनी हुई है, बंच है साथ बेले हैं। ट्राउजर इसका बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट है, ट्राउजर का बंचा है वो राउंड अबाउट 6.5 इंच है और जो इसकी बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है। अब आपको दिखाऊंगी इसका दुपट्टा। दुपट्टा का फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, क्रॉस में बेल्ट बनी हुई है इसके ऊपर। ये तो मैं आपको जरा इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्रॉस में बेल्ट बनी हुई है, इसकी लंबाइयों में भी जो बॉर्डर आ रहा है ना उसको कटवर्क होना है। फैशन पट्टी के साथ उसको हमने अटैच कर दिया लेकिन अभी एप्लिक वर्क वाले ने इसको एप्लिक करना है, एप्लिक वर्क वाला अवेलेबल नहीं था इस वजह से इसको एप्लिक हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कल तक ये जो है वो एप्लिक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब आपको दिखा रही हूँ इसके पल्लू। ये देखें ये सारी बेल आ गई इस तरह से और ये जी इसके पल्लू आ गए। अब ऑल ओवर लुक दिखाऊंगी आपको। ये देखें जी ये ऑल ओवर लुक है, इसकी यॉक का फ्रंट है, ये इसके स्लीव्स हैं, ये कलियां आ रही हैं, पैनल्स हैं इसके। इसकी फॉल दिखाती हूँ आपको मैं, कैमरा थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ना फिर आपको नजर आएगा। ये देखें ऐसे ये इसकी फॉल आ रही है और ये देखें ये इसकी जो है वो फ्रिल बनी हुई है, ये देखें। अच्छा जी, इसके बाद मैं शेयर करूंगी आपके साथ दो नाइट सूट शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जी हमारे पास ये लॉन का नाइट सूट है जो हमने स्टिच किया है, कोट कॉलर नेक बनी हुई है इसकी, साथ में मैरून कलर की पाइपिंग की हुई है। ये देखें यहाँ पर इसके जो है वो बटन्स लगे हुए हैं, कांच करके बटन्स लगे हुए हैं, सेम फैब्रिक में बटन है ताकि आप इसको ओपन कर सकें। ये देखें जी इस तरह से इसके जो है ना वो बटन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और बाकी जो इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल सी लेंथ है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये। ये देखें यहाँ पर इसमें पाइपिंग की हुई है, ऑलराउंड गम पाइपिंग है कुछ इस तरह से। ये देखें ये फिनिशिंग की हुई है इसकी सारी की सारी। बैक साइड दिखा रही हूँ आपको इसकी, ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड कुछ इस तरह से है इसकी। ये देखिए साइड्स इसकी बंद है, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे टी शर्ट्स की लेंथ होती है बिल्कुल उसी तरह इसकी लेंथ है। ये इसके स्लीव्स आ गए, स्लीव्स में सामने इस तरह से कफ बना हुआ है और कफ के ऊपर जो है वो सामने पाइपिंग की हुई है कुछ इस तरह। ये देखिए ये पाइपिंग की हुई है और ये सामने सेम कलर का ही जो है ना डबल फेब्रिक लगाया हुआ है, बुकरम नहीं लगा हुआ है इसके अंदर। अब आपको दिखाऊंगी इसका ट्राउजर। ये देखें जी ये इसका ट्राउजर है, ट्राउजर के पांचे की साइड के ऊपर जो है वो इसमें पट्टी आ रही है
और नीचे उसमें जो है डबल फैब्रिक के साथ पाइपिंग की हुई है, यहाँ डबल फैब्रिक के साथ पाइपिंग है और लंबाई में इसके जो है ये देखें ये फैब्रिक आ रहा है मैरून कलर का, स्ट्रिप्स ही आ रही है ताकि ट्राउजर की लुक जो है वो थोड़ी सी एम्बेलिश हो जाए और ट्राउजर अच्छा लगे। ठीक है, ये ट्राउजर की जो है वो फॉल आ रही है, अब आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास जो है ये है जी सिल्क में इसका फैब्रिक है और ये इसका कैमिसोल है स्ट्राइप्स के साथ और इसमें लाइनिंग आ रही है कुछ इस तरह से, ये देखें। अच्छा, ये सेम ही है, इसका जो कैमिसोल है वो भी लाइनिंग में है और जो इसका ऊपर वाला गाउन और सूट है वो भी लाइनिंग में है। कैमिसोल जो है उसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो शोल्डर के साथ से टर्न होके आ रहे हैं, मोस्टली वैसे ऊपर से स्ट्रैप लगा होता है लेकिन इसमें शोल्डर के साथ से टर्न होके आ रहे हैं। अब आपको दिखाऊंगी इसका गाउन, इसका जो गाउन है वो भी कोट कॉलर में है, ये देखें कुछ इस तरह से इसका गाउन है। इसके भी काज बने हुए हैं और बटन्स हैं जो कि सेम कलर में ही लगे हुए हैं, आप उसको जब बंद करेंगे तो वो इसका जो है वो शर्ट बन जाएगी इस तरह से, ओपन कर देंगे तो गाउन बन जाएगा, ये देखें ऐसे। कोट कॉलर में इसकी जो नेकलाइन है वो भी पाइपिंग के साथ है, उसमें जो है वो पाइपिंग का रुख चेंज किया हुआ है, सेम फैब्रिक में पाइपिंग का रुख चेंज किया हुआ है जिसकी वजह से वो डॉट डॉट से जो है वो फील हो रहे हैं सारे, इस तरह से पाइपिंग है, बटन्स लगे हुए हैं। इसकी जो लेंथ है क्योंकि ये गाउन की शक्ल में तो लेंथ इसकी थोड़ी सी लॉन्ग रखी है और इसके जो स्लीव्स है मैं आपको दिखाती हूँ पहले बैक साइड, ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड भी इसी तरह से है, थोड़ी सी लॉन्ग आ रही है, हल्की सी लाइट सी लाइन शेप में आ रही है। स्लीव्स दिखाती हूँ आपको इसके, ये देखें जी लाइनिंग में स्लीव्स हैं और सामने इसकी जो लाइनिंग है उसको ब्रेक करने के लिए सामने दूसरे रुख में इसके ऊपर जो है वो पट्टी लगी हुई है कुछ इस तरह से, ये देखें। अब आपको दिखाऊंगी इसका ट्राउजर, इसका जो ट्राउजर है वो भी सेम स्टफ है, इसका इसका सिल्क स्टफ है और इसमें जो लाइनिंग प्रिंट आ रहा है ना पांचे में, ये देखें इसमें भी ऐसे ही किया है, ऊपर से स्ट्रेट ट्राउजर आ रहा है, नीचे की लाइनिंग को ब्रेक करने के लिए दूसरे रुख में नीचे जो है वो फैब्रिक लगाया हुआ है, ये देखें। बाकी जो ट्राउजर की इलास्टिक है वो ऑल राउंड है। अब आपको दिखाती हूँ गाउन की ऑल ओवर लुक के जी, नाइट सूट गाउन और उसका कैमिसोल जो है वो दिखने में कैसा है, ये जी इसका गाउन है और ये साथ में ही इसका कैमिसोल है, ये वाला ये इसका कैमिसोल है। अब आपको मैं दिखाऊंगी इसका ट्राउजर, ट्राउजर भी इसका इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। इसी के साथ दें इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बच्चों का बड़ों का बुजुर्गों का घर में सबका ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।